नमस्कार, फास्ट समाचार न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिरवी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। अगर आपको भी कोई सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी पैसे लेकर दिलाने की बात बोल रहा है तो आप उससे पहले ये खबर जरूर देखें। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में कॉलेजों और अस्पताल में महिलाओं की गार्ड की नौकरी का झांसा देकर एक रिटायर्ड फौजी ने लाखों रुपए समेट कर चंपत हो गया। पीड़ित महिलाओं ने फौजी पर FIR भी करा दी है, लेकिन पुलिस अभी तक उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। करण सिंह नाम का तोमर एक आदमी है जिसने मोती झील पे ऑफिस खोला था, जिसने सारी औरतों के कम से कम 250 औरतें हैं जिनके 10,000 5,000 2,000 3,000 लेके कहीं चला गया और इन्होंने कार्रवाई नहीं कर रही है पुलिस बिल्कुल भी। क्या बोल के पैसे लिए थे उसने? बोल रहा था नौकरी दिलाएंगे सिक्योरिटी में और क्या कहते हैं आनंद ट्रस्ट हॉस्पिटल में IIIM में। किस नाम से कंपनी? लेडीज गार्ड के लिए। किस नाम से कंपनी थी इसकी? करण सिंह तोमर के नाम से। अच्छा, आर्मी से रिटायर बताता है और अपने आप को। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या कहते, सारी औरतों ने इकट्ठे होके पैसे दे दिए और अपने डॉक्यूमेंट में दे दिए, मैंने भी दे दिए। और 3 महीने बाद की बोल रहा था कि 3 महीने बाद करेंगे, हमने 2 दिन में ही यहाँ देख लिया था तो दो दिन में ही मैंने क्या कहते हैं बोड़ापुर थाने में आवेदन दिया। आवेदन को 1 महीना हो गया डले, वो आदमी निकल भी गया हाथ से। अब सिटी सेंटर में मुझे टकराया तो उसने सुना नहीं बिल्कुल भी। फिर मैं FIR दर्ज कराने गई, FIR का भी कुछ जवाब नहीं दे रहे ये लोग। थाना बहोड़ापुर का मामला था और उसमें भी प्रकरण पंजीबद्ध है थाना बहोड़ापुर में, उसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और शीघ्र ही उसमें आरोपी की गिरफ्तारी हो जाएगी। कई पैसों की ठगी उसमें महिला, निश्चित रूप से उसमें कई महिलाएं थी उनके साथ ठगी हुई है, उसी बेस पर अपराध भी पंजीबद्ध हुआ है और उसमें अरेस्टिंग हो जाएगी। कोई संदेश देना चाहेंगे ऐसी ठगी से बचने के लिए महिलाओं? क्योंकि सोसाइटी में लोगों को सावधान रहना चाहिए, लालच और फायदे के चक्कर में लोग ऐसे लोगों के फेर में आ जाते हैं, तो बस यही है कि लोगों से सावधान रहें। और शॉर्टकट कोई भी पैसे कमाने का या अमीर होने का नहीं होता है, लोग इसी लालच में फंस जाते हैं लोगों के साथ। बैंक अकाउंट से रिलेटेड जो फ्रॉड हैं फ़ोन करके या कोई संदेश दे करके, उसकी कड़ी में ये एक अपराध हुआ है जिसमें कि जो बैंक मैनेजर हैं जहाँ जो फर्म है उसका खाता है, उनके बैंक मैनेजर को फ़ोन करके ये कहा गया कि हमको RTGS से पैसा भेजना है और 26 लाख रुपए के लगभग जो पैसा है वो 2 खातों में चला गया। और उसके बाद जब ये एहसास हुआ कि फ़ोन जो था वो जेन्युइन नहीं था, वो जो अकाउंट होल्डर द्वारा नहीं किया गया था, वैसी सूचना पुलिस को दी गई। साथ में बैंक ने अपना इंटरनल मैकेनिज़म से भी कार्रवाई की। जब उससे पता चला कि ये 2 खाते दिल्ली के हैं तो यहाँ की टीम ने, क्राइम ब्रांच की टीम ने जा करके और दिल्ली के जो खाता धारक हैं उनसे पूछताछ की और साथ में जो पैसा गया था उसको ब्लॉक कराया। जो आरोपी हैं जिनका खाता है, साथ में जो खाता खुलवाने वाले हैं और उनके सहयोगी हैं, उनके खिलाफ़ विवेचना की जा रही है। इसमें अभी तक 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनपुट हेड संजय शिराड़ की रिपोर्ट।